हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड अधिनियम नया किरारा। आज नया कैलेंडर हो चुका जारी। अभ्यर्थी के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। 24 के करीब टोटल पोस्ट इसमें रखी गई हैं। चलिए जानते हैं इनमें कैसे कैसे विषयवार कौन कौन से पदों की वैकेंसीज हैं, कब कब इसकी डेट रखी गई। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधिनियम नया किरारा यहाँ पर आज परीक्षा कार्यक्रम हो चुका है जारी। टोटल इसमें 1400 के करीब पोस्ट हैं, जिसमें LT शिक्षक भर्ती अन्य पदों की पोस्ट रखी गई हैं। चलिए जानते हैं इसके लिए कौन कौन सी योग्यता है और कब इसकी परीक्षा होनी है। परीक्षा की तिथि सहित जो है आपके नोटिफिकेशन सहित जो है सब डेट यहाँ पर जारी कर दी गई है आयोग के द्वारा। इसमें अलग देखिए परीक्षा कार्यक्रम है इस तरह का, यहाँ पर ये प्रस्तावित रखा गया है। ठीक है, पूरी की पूरी चीज़ें प्रस्तावित है, चेंजेस होने के चांसेस यहाँ पर हैं, लेकिन पदों की संख्या में कोई चेंजेस नहीं होगा फिलहाल। ठीक है, बाकी जो डेट चेंज है वो हो सकता है। इसमें अलग देखते हैं कि सहायक कृषि अधिकारी की 34 पोस्ट सबसे पहले आपके यहाँ पर निकलने वाली है। इसी महीने 29 नौकर निकलने वाले हैं और 26/11 को यहाँ पर जो है इसका पेपर होने वाला है 2023 में। ठीक है, उसके बाद स्नातक स्तरीय, ठीक है, ये कृषि अधिकारी वाले आपके यहाँ पर जो है जो 12th या BSc ग्रेजुएशन आपके पास यहाँ पर कृषि में हो तो अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक स्तरीय में आपके पास ओनली जो है UG होना चाहिए। 226 पोस्ट में काफ़ी अच्छी पोस्ट, इसमें ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की पोस्ट भी है और सहायक समाज कल्याण अधिकारी की पोस्ट है। अन्य पोस्ट रखी गई है बहुत सारी, इसमें 226 पोस्ट हैं। 6/10 को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, 31/12 को इसका पेपर होगा। तैयारी कर लीजिएगा, बहुत अच्छी पोस्ट है। साथ में इंटरमीडिएट की 12th वालों के लिए रखा गया है। इसमें 12th वालों के लिए यहाँ पर 293 पोस्ट हैं। 13/10 को निकलेगा इसका नोटिफिकेशन और इसका 21/1 को यहाँ पर जो है इसका पेपर कर दिया जाएगा। साथ में यहाँ पर इंटरमीडिएट स्तर की यहाँ पर होंगी अन्य पोस्ट होंगी। ठीक है, तो ये आप लोग हैं जिसमें आपका परिवर्तन इस हाल ही में है और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न प्रसार अधिकारी या अन्य पोस्ट निकली हैं। ये भी 12th बेस वाले हैं, लेकिन इसमें प्रश्न प्रसार अधिकारी कृषि वाले मांगे जाएंगे जिसमें साइंस रखा जाएगा। ठीक है, 136 पोस्ट हैं। 20/10 को इसका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। 11/2 को इसका पेपर होगा। ठीक है, फरवरी में इसका पेपर होगा। उसके बाद से व्यायाम शिक्षकों की है। ठीक है, व्यायाम शिक्षक की भी पोस्ट है, 58 पोस्ट से 56 पोस्ट है। 27/10 को इसका पेपर नोटिफिकेशन निकलेगा। 25/2 को इसका पेपर कर दिया जाएगा। देखिए मेन चीज़ है LT शिक्षक भर्ती वालों के लिए। LT शिक्षक भर्ती मैंने जैसे कि आपको बताया था कल, काफ़ी कम पोस्ट है इस बार, 657 ही पोस्ट यहाँ पे निकल रही है इस बार। ठीक है, ये आपको मैं एक वीडियो बाद में एक डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि इसमें पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन है, मैं अभी नहीं बता रहा इसमें। ठीक है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर अभी आपको बाद में बताऊंगा जब एक अपडेट आएगा अभी और। ठीक है, बाद में। ठीक है, ये इसमें इतने पदों फिलहाल तो इतना दे रखा है, लेकिन इसमें पदों पर क्या होने वाला है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन होंगे, फिलहाल मैं आपको कन्फ्यूजन नहीं करना चाहता। इतने पद इसमें युक्त प्रतियोगिता निकाली जा रही है, जिसमें यहाँ पर 657 पद हैं। 6/11/2023 को यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और 10 मार्च को परीक्षा है। परीक्षा तिथि भी फिक्स है, क्योंकि योग्यता पर्सी कोई चेंजेस करने वाला नहीं है। फिर की डेट के एग्जाम में हो सकता है कि कभी किसी कारणवश चेंज करना पड़ेगा अगर मजबूरी होगा तो, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि पेपर मैंने कहा था आपको लगभग लगभग 3 महीने का समय मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन निकलेगा आपका नवंबर में, उसके 3 महीने के बाद पेपर। ठीक है, 3 महीने ही मिलना है पढ़ने के लिए। अभी से आप तैयारी कर लीजिए, तब जाके 6 महीने होंगे आएंगे और बाकी जो है अपरिहार्य स्थिति में जो है प्रयत्न किया जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। ये जो है आयोग के द्वारा सर्कुलेट किया गया एक नोटिफिकेशन है, हालांकि ये आपको वेबसाइट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वेबसाइट में नहीं मिलेगा और यही आपका जो वेबसाइट में आएगा तो यही आपका आना है। ये जो है अभी वैसे ही जो है सर्कुलेट हो चुका, वायरल हो चुका वीडियो है। ठीक है, और फेक की कोई चांसेस नहीं है, फेक लगता नहीं है जिस हिसाब से फेक हेक है। ठीक है, कई लोगों को फेक लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर फेक नहीं हो सकता है। ये जहाँ तक है पदों की संख्या भी इतनी रहने वाली है, डेट अगर कुछ चेंजेस होगा तो वो होगा, नहीं तो यहाँ पर कल परसों में आपको ऑफिशियली वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। फिलहाल वेबसाइट में अवेलेबल ये नहीं है। ठीक है, तो इन पदों की पोस्ट हैं, बाकी मैं योग्यता सिलेबस जो है LT के रिगार्डिंग सब कुछ आपको अपडेट करते रहूँगा। LT वाले जितने भी चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, ताकि मैं आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे बहुत ही कम पद है इस बार, तो उसकी मैं जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देता रहूँगा। आज की अपडेट जो भी है आपको मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल की।